हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्री राहुल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े। तो इसके लिए हमने ये उड़द की दाल ली है, वाइट वाली जो उड़द की दाल होती है। 2 बाउल उड़द की दाल मैंने इसमें लिए हैं और रात भर के लिए इसको पानी में भिगो के रखा है। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स के लिए इसको आपको पानी में भिगो के रखना है। तो ये मैंने रात भर के लिए इसको भिगो दिया था। तो इसे अच्छे से हम वॉश करेंगे ताकि इसका पूरा पाउडर अच्छे से इससे अलग हो जाए। और मैंने इसे कम 4-5 बार इसे वॉश किया। अब इसे हम मिक्सी में डालेंगे। 2 बार में इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और मिक्सी चला के इसे हम अच्छे से पीसेंगे। इसका दाल का जो हमें बैटर रखना है तो वो हमको थिक ही रखना है, पतला नहीं करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। पानी बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा ही मिलाएं। देखिए इतना सा पानी मैं इसमें मिला रही हूँ। 1 या 2 बार मैंने पानी बीच में इसमें मिलाया है। तो अकॉर्डिंगली आप पानी मिलाएं। याद रखें कि आपका जो बैटर है वो पतला ना हो जाए ज़्यादा पानी डालने से। तो उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा केयरफुल रहें। ये मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें डाला और अच्छे से इसे ग्राइंड किया। ध्यान रखें कि आपका बैटर पतला ना हो। अगर वो पतला हो जाएगा तो जब आप कढ़ाई में बड़े करेंगे तो उनमें बहुत तेल भर जाएगा। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए हाथ से इसको आप चेक करें कि आपकी जो उड़द की दाल है वो पूरी तरह पिस चुकी है या नहीं। फिंगर से इसको चेक करें। देखिए इस तरह से जैसे मैं चेक कर रही हूँ, फिंगर से आप इसको चेक करें कि आपकी दाल पूरी तरह पिसी है कि नहीं। हमारी दाल पूरी तरह पिस गई है तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से आपका बैटर इतना थिक रहना चाहिए। ये मैंने पूरा इसको भगोनी में निकाल लिया है। देखिए कितना थिक ये बैटर है। इससे बहुत ही सॉफ्ट बड़े बनेंगे अपने। तो ये मैंने तेल जब तक गरम चढ़ा दिया है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ी सी अजवाइन, और कुछ नहीं। बहुत ही अच्छे दही बड़े हमारे बनने जा रहे हैं। ना तो मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट ना अदरक का पेस्ट कुछ मैंने इसमें नहीं मिलाया है। बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे से इसे आप मिक्स करेंगे एटलीस्ट फॉर 30 to 40 सेकेंड्स ताकि और फ्लफी हो जाए। और इतना थिक हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। तो हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया है। हम चेक करेंगे थोड़ा सा, हम इसका पार्ट लेके और इसमें डालेंगे। देखिए ये अभी प्योरली अच्छे से गर्म नहीं हुआ है तेल, तो इसे हम थोड़ा सा और गर्म होने देंगे। क्योंकि जो मैंने वड़ा इसमें डाला है तो उसमें बबल्स प्रॉपरली नहीं आ रही है और ऊपर उठ के भी नहीं आया है। तो हम 30 to 40 सेकेंड्स के बाद हम सारे वड़े इसमें डालेंगे। इस तरह से मैंने अपने हाथ से वड़े इसमें डाले हैं। देखिए सब वड़े हमारे फूल गए हैं बिकॉज ऑफ हाई फ्लेम। साइज आप बड़ा भी रख सकते हैं, इससे छोटा नहीं, क्योंकि दही बड़े में एटलीस्ट इतना साइज तो अपन को चाहिए। और इसे हम होने देंगे। फ्लेम हमारी हाई है।
अब हम इन्हें टर्न करेंगे, सबको हम दूसरी साइड से टर्न करेंगे ताकि वो उधर से भी हो जाए। ये मैंने सबको टर्न किया। देखिए मैंने एक भगोनी में पानी लिया है और इसे थोड़ा सा गर्म किया है। गुनगुना पानी आपको करना है ताकि बड़े इसमें हम डालेंगे तो उससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से 2 घंटे के लिए एटलीस्ट हमें पानी में भिगो के बड़ों को रखना है। मैं बताऊंगी आपको कि आपको कैसे करना है। ये बड़े हमारे लगभग हो चुके हैं तो इन्हें हम छलनी में निकालेंगे। इस तरह से मैंने इन सबको छलनी में निकाल लिया है। देखिए थोड़े से ये आपको रेडिश ही करने हैं क्योंकि पानी में भिगोने के बाद वो अपने आप वाइट हो जाएंगे। तो ये मैंने पानी में इन्हें भिगो दिए हैं। अच्छे से सॉफ्टली हाथों से आप इनको पानी में डिप करें और वापस से हम फ्लेम हाई रख के और बड़े हमारे इसमें तेल में पोरेंगे। इस बार हम चम्मच से बड़े इसमें डालेंगे तेल में। देखिए फटाफट से ऊपर आ जा रहे हैं तो तेल हमारा अच्छा गर्म है। देखिए कितने बड़े ये हमारे बड़े बने हैं इस बार। और स्पून से हम सबको वन बाय वन टर्न करेंगे। ये मैंने सबको टर्न किया। तो देखिए हमारे पूरे बड़े तैयार हैं। इसे मैंने पानी में अच्छे से डिप करने के लिए रख दिया है और कितने बड़े हमारे ये बड़े बने हैं। तो इन्हें हम एटलीस्ट फॉर 1 to 2 आवर्स पानी में भीगने देंगे ताकि और फ्लफी एंड सॉफ्ट हो जाए। नाउ इट्स सर्विंग टाइम। तो हम सारे बड़े अपने हाथों से, हाथों की हथेलियों से बिल्कुल सॉफ्टली इन्हें थोड़ा सा पुश करके और वन बाय वन प्लेट में रखेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हमारे बड़े बने हैं। ये मैंने थोड़े से बड़े प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे। ये मैंने एक प्लेट ली है, थोड़ी बड़ी ली है ताकि अच्छे से खाने में आए बड़े। और इसमें मैंने 4 to 5 या 6 बड़े भी आप इसमें रख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हमारा दही, द मेन पार्ट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड दही बड़ा। तो ये दही मैंने इसमें ऊपर से डाला। और फिर इसमें हम डालेंगे हमारी अमचूर चटनी, अमचूर चटनी की रेसिपी मैंने अपनी वीडियोस में ऐड किया है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसकी रेसिपी कि अमचूर चटनी मैंने कैसे बनाई है। ये है ग्रीन चटनी, दैट इज धनिया की जो ग्रीन चटनी आती है वो। फिर इसमें हम मिलाएंगे सिका हुआ जीरा, फिर हम मिलाएंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मिलाएंगे हम इसमें लाल मिर्ची थोड़ी सी। ये हमारे तैयार है दही बड़े। देखिए कितना सुंदर ये दिख रहे हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छे बने हैं। देखिए ये तैयार है हमारे दही बड़े। आप भी इन्हें सर्व करिए, टेस्ट करिए और बताइए आपको कैसे लगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल
फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज। ओके, बाय बाय, सी यू।